आरोपी को अरेस्ट किया है सर, क्या है पूरा मामला? दिनांक 1/9/2022 को सदर बाजार के इलाके में रेमंड के एक जो कपड़े का शोरूम था वहाँ सुखबीर खटाना नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में हमने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसमें जो जानकारी मिली उसमें उसका एक रिश्तेदार उसमें शामिल था और उसके और अन्य साथी उसमें शामिल थे, जिसके संबंध में हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 में काम करते हुए उसमें एक जो प्रमुख भूमिका निभाने वाला आरोपी जिसका नाम योगेश और सिल्लू है, जो 22 साल का है और राजस्थान का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इससे पूछताछ करने पर पता चला है कि इसने बताया ये जो मृतक का साला था चमन, उसके दोस्त था ये और उसके कहने से ये इस हत्याकांड में शामिल हुआ है और उसने इसको इस बात के लिए उकसा के अपने साथ लिया था और ये उसके साथ इसलिए शामिल हुआ कि इसके गांव में इसकी बहन के साथ किसी ने छेड़खानी की थी और ये उसका बदला लेने के लिए उस आदमी को मारना चाह रहा था। तो इससे ये कमिटमेंट की गई थी कि पहले तो हमारे इस केस में शामिल होगा, उसके बाद हम जाके तेरा बदला लेंगे। आरोपी पर पहले भी किसी प्रकार का केस दर्ज है? ये जब तक कोई इस तरह का एक्ट कर पाते उससे पहले ही हमने इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। कल हमने इसको गिरफ्तार किया है, आज इसको कोर्ट में पेश करके हम इसका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं और इसमें जो अन्य आरोपियां हैं उनकी गर्म जोशी के साथ तलाश जारी है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द बाकी आरोपियों को भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे, इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी। सर कभी इन्होंने प्लानिंग की थी इस तरह की आपस में बदला लेने की? इसके अकॉर्डिंग ये प्लानिंग कुछ दिन पहले की गई थी और ये इन्होंने रेकी करके और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सर उसको मारने की वजह क्या थी, बीजेपी ने तक मारने की वजह कुछ खास? सही वजह तो जब चमन गिरफ्तार होगा और उससे जब पूछताछ होगी उसके बाद पता चलेगा, लेकिन इसने ये बताया है कि चमन ने ही सारी साजिश के लिए इनको शामिल किया। चमन को लेकर सर कोई लीड मिली अभी तक? बिल्कुल, हम लगातार उस पर प्रयासरत है और हमें उम्मीद है जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। और कितने आरोपी शामिल थे इसमें और उनकी पहचान हो चुकी है? देखिए इसमें जो मौके पे 5 आदमी शामिल रहे हैं उनकी पहचान हमने कर ली है और बाकी भी अगर उसमें और कोई लोग शामिल रहे होंगे पीछे से या किसी भी तरह की भूमिका होगी तो किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर ऑन द स्पॉट उनका पहले राजस्थान जाने का प्लान था और तकरीबन 15 मिनट पहले ही जो है शॉपिंग का प्लान बना, तो उसके ऊपर कुछ की किसने इस बारे में जो है आरोपियों को बताया ऐसा कुछ? ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें जो भी लोग मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन में जो भी किसी की इस तरह की भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या आगे कोई और भी टारगेट था इनका? हाँ मैंने बताया एक तो इसी लड़के का जो गांव में एक लड़के से इसको दिक्कत थी और उसकी कमिटमेंट की गई थी और इस तरह से बाकी जो लोग शामिल किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी पे ये पता चल पाएगा उनको किस कमिटमेंट के साथ शामिल किया गया। ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए गए और किसने कराए? ये सभी अभी इन्वेस्टिगेशन इन सारे इश्यूज पे की जा रही है और पुलिस रिमांड के बाद और गहराई से पूछताछ करके ये सारी चीजें। पकड़े गए आरोपी ने सर क्या बताया कुछ और इसके अलावा? हमने इसे उस हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी ली है और इसमें जो भी सारे पहलू हैं उन पे गहराई से जाँच की जा रही है और उसमें कानून के प्रावधानों के अनुसार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हथियार भी बरामद हुआ है सर? ये गुड़गांव से फेज वन से गिरफ्तार किया। हथियार भी बरामद हुआ सर इसके पास? अभी हम पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं, उसके बाद हथियारों की बरामदगी की जाएगी। ठीक है।